हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? और अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आप लोग को पूरी तरह से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है। और अब हम लोग जानेंगे दो तिल्लियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। दो तिल्लियों के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। और 24 तिल्लियां का मतलब क्या होता है? यहाँ तो 25 या 23 भी हो सकता है, लेकिन 24 ये है। तो 24 तिल्लियों का मतलब होता है 24 घंटे का प्रतीक। तो अब हम लोग अशोक चक्र में जितनी भी तिल्लियां होती है सब तिल्लियों के बारे में बताऊंगी। तो पहला नंबर तिल्ली का है संयम, दूसरा है आरोग्य, तीसरा का मतलब है शांति, चौथा का मतलब है सील, पांचवा का मतलब है त्याग, छठा का मतलब है क्षमता, सातवां का मतलब है सेवा, आठवां का मतलब है मैत्री, नौवां का मतलब है प्रेम, दसवां का मतलब है बंधुत्व, ग्यारहवां का मतलब है संगठन, बारहवां का मतलब है कल्याण, तेरहवां का मतलब है अधिकार, 14 तिल्य का मतलब है कर्तव्य, 15 नंबर तिल्य का मतलब है सहकार्य, 16 का है न्याय, 17 का है नीति, 18 तिल्य का मतलब है अर्थ, 19वां का है समता, 20 का है नियम, 21 तिल्य का मतलब है व्यवस्था, 22वां का है सुरक्षा, 23 का है उद्योग और 24 का है समृद्धि। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर।